हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे जा रहे हैं आप लोग के एग्ज़ाम? आई थिंक अच्छे ही जा रहे होंगे। चलिए, एग्ज़ाम जैसे भी जाएं, आपका पेपर हो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आज का जो वीडियो है, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन से है, ओके। और इसमें आज हम लेते हैं आपका MES 016 का एजुकेशनल रिसर्च, जो आपका यानी सब्जेक्ट जो आपका है वो है मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन। और इसमें अगर हम पेपर की बात करते हैं तो MES 106 एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान से ले लेते हैं। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं जो आपका मास्टर ऑफ आर्ट का है, मैं पूरे लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवाऊँ, वो सभी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँ, बिकॉज हमने खुद भी मास्टर ऑफ आर्ट किया हुआ है, ओके। MA जो मेरा एजुकेशन से भी है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी इसके आंसर को सर्च करने में, क्योंकि मेरे पास जो इग्नू की PDF नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की बुक थी जिससे मैंने मास्टर ऑफ आर्ट किया था, तो मैंने उससे PDF बनाया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं इस वीडियो में। एक तो हमने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। और उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो दोनों बार या तीन बार रिपीट हुए हैं, उनके मैं आपको आंसर भी अवेलेबल करवा रही हूँ। कुछ आंसर जो हमने रखे हैं वो एक्स्ट्रा भी रखे हैं, जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, उनके आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 का, पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। और यही MES 106 एंड 16 का है, ओके। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कम ही पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग शब्दों में लिखना है, लेकिन हाँ, अथवा में दिया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। सामाजिक विज्ञान अन्वेषण विकसित करने के वैकल्पिक उपागमों का आलोचनात्मक आपको विवेचन करना है, और या फिर एक परिकल्पना के अर्थ एवं स्रोतों की संक्षिप्त व्याख्या करना है, ठीक है ना। और शैक्षणिक शोध में परिकल्पना के महत्व की चर्चा करना है। इसी तरह से 600 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। सत्य प्रयोगात्मक संरचना और आभासी प्रयोगात्मक संरचना में अंतर स्पष्ट करना है, और किसी एक सत्य प्रयोगात्मक संरचना का वर्णन करना है, या फिर ऐतिहासिक शोध में आंतरिक अथवा बाह्य आलोचना में अंतर स्पष्ट करना है, और ऐतिहासिक शोध में आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का क्या महत्व है ये आपको बताना है, ओके। अब हम सेकंड में आ जाते हैं, जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, उसमें किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे टिप्पणी जैसा लिखना है आपको 150 शब्दों में। गुणात्मक शोध, त्रिगुणन के प्रकार की व्याख्या करना है, धरातली सिद्धांत के लक्षण का उल्लेख करना है, क्लस्टर एवं कोटा न्यायदर्श में अंतर स्पष्ट करना है, शैक्षणिक शोध में जो SPSS की क्या उपयोगिता है, शोध प्रश्न एवं उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करना है, समान संभाव्यता वक्र का लक्षण। एक यहाँ पे चीज नहीं है जो आप ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, 600 शब्दों में आपको लिखना है, और इसमें गुणात्मक शोध अध्ययन के दौरान आपके द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों का वर्णन करना है, और इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा आपके लिए टफ इसमें हो सकता है, ओके। इसी तरह से जून 2018 का देख लेते हैं आपका, ठीक है ना। जून 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके यहाँ पे है कि प्रत्यक्षवादी और अप्रत्यक्षवादी परिवेश में अंतर स्पष्ट करना है, प्रत्यक्षवादी परिवेश की सीमाओं का उचित उदाहरणों की सहायता से वर्णन करना है, या फिर ज्ञान से क्या तात्पर्य है और ज्ञान के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से प्रयोगात्मक शोध में नियंत्रित समूह के महत्व की व्याख्या कीजिए, और प्रयोगात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले नियंत्रण की विधियों की चर्चा करना है, या फिर गुणात्मक शोध के लक्षण तथा उनके पीछे के कारणों की व्याख्या करना। देखिए, यहाँ पे गुणात्मक शोध जो है वो आ गया है आपका, एक क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है, ठीक है, गुणात्मक शोध। किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने, अनुप्रस्थ, लंबवत, दिशात्मक, गैर दिशात्मक, साक्षात्कार, संबंधित शाही सर्वेक्षण, सह संबंध पिछले में भी था, इसमें भी देखिए देखने को मिल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे 600 शब्दों में जो चौथे नंबर पे आपका क्वेश्चन होता है उसको 600 शब्दों में लिखना होता है, और यही है कि मान लीजिए आपको एक लघु शोध प्रबंधन का मूल्यांकन करना है, और बिंदुओं का वर्णन कीजिए जिनका ध्यान आप मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखते समय करेंगे, यानी आपको एक डिजर्टेशन लिखना है, यहाँ पे लघु शोध करना है, और यहाँ पे आपको मूल्यांकन करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये चीजें आपको ध्यान में रखकर लिखना है, ओके।
चलिए इसी तरह से हम ले लेते हैं अब जून 2019 का पेपर, ठीक है ना, जो जस्ट अभी पिछली बार हुआ है। क्या सिमिलरिटी इनमें देखने को मिलती है जो भी हम दो पेपर देख के आए हैं और इस वाले में, ठीक है। ओके, 600 शब्दों में लिखना है। सकारात्मकतावादी निदर्शन के अर्थ एवं सीमाओं की चर्चा करना है और अपने उत्तर का उचित उदाहरणों द्वारा समर्थन भी करना है। ज्ञान एवं शोध में संबंध की चर्चा करना है, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करनी है। देखिए ज्ञान भी जो है दोनों बार में पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया, जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं इसमें भी ज्ञान पूछा गया है, साथ में इसमें शोध भी जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। और फिर ज्ञान के विभिन्न स्रोत आपको बताने हैं। फिर जो दूसरा है वो है 600 शब्दों में लिखना है। एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं की व्याख्या करना है कि एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं और एक उपकरण की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन करना है। या फिर त्रिभुजीकरण के अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें भी गुणात्मक शोध आ गया है, गुणात्मक शोध में विधियों का त्रिभुजीकरण किस प्रकार किया जाता है। हालांकि मुझे गुणात्मक शोध मिला नहीं है, मैं ये भी से आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, बुक में। और फिर यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना है। टी स्कोर एवं जेड स्कोर में अंतर स्पष्ट करना है। क्रमबद्ध यादृच्छ जो नादर्श होता है अंतर स्पष्ट करना है। प्रयोगात्मक अविकल्प में आंतरिक एवं बाह्य वैधता में जो है अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। शैक्षिक शोध क्या होता है उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करना है। एक चीज यहाँ पे जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि 4 नंबर पे 600 शब्दों में लिखने के लिए आता है, वो है कि शिक्षा के क्षेत्र से एक शोध समस्या की पहचान करना है और सर्वेक्षण विधि का उपयोग कर समस्या का अध्ययन करना है। यानी आपको यहाँ पे एक शोध करना ही करना है। पिछले में था मूल्यांकन करना है, वो किस तरह से मूल्यांकन आप करेंगे लघु शोध में उसके स्टेप लिखने थे। यहाँ पे एक शोध समस्या की पहचान करना है और जो आप सर्वेक्षण विधि उपयोग कर रहे हैं उसकी समस्या का अध्ययन आप किस तरह से करेंगे, किन चरणों से होकर स्टेप से गुजरेंगे उसका यहाँ पे आपको वर्णन करना, जो कि 600 शब्दों में। 500 का मतलब होता है 3.5 पेज के समथिंग, 3.5-4, तो 600 का मतलब हो जाएगा आपका 4.5-5 पेज के समथिंग, 5 पेज के समथिंग ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये तो था आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर। चलिए अब आपकी पीडीएफ देख लेते हैं जो हमने लिया है, जो मेरे पास बुक थी तो उससे मैंने लिया है, तो कहीं कहीं पे पीडीएफ जो है आपको थोड़ा सा डल हो सकती है, दिख सकती है, ठीक है। देखिए पहला इसका क्वेश्चन है प्रयोगात्मक अनुसंधान, ये हम जस्ट देख ही चुके हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान से क्वेश्चन आया हुआ था तो ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा प्रयोगात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रयोगात्मक अनुसंधान को वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम जितनी शॉर्ट छोटी होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है समाधान होता है वो भी बहुत ही शॉर्ट यानी कि सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो उपयोगिता होती है उसकी दृष्टि से यानी उपयोगिता की दृष्टि से तत्व व्यवहारिक होता है। प्रयोग का मतलब ही होता है हम अपने जीवन में जिस चीज का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं, तो वो व्यवहारिक जीवन से हमारे जुड़ जाता है, ठीक है ना, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है। तो इसकी अगर एक हम अर्थ दें, डिफिनेशन दें, तो इस मतलब किसी छोटे से समस्या को छोटे समाधान के द्वारा प्रस्तुत करना या प्रेजेंट करना, पेश करना, और इसको अपनी व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाना, इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाना ही प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। मेन इसमें जो होता है वो होता है किसका जो अध्ययन होता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ये नियंत्रित परिस्थितियां क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन आपके इसमें आया है, ठीक है ना। ओके, अब ये देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो कार्य होता है वो सीखने के बीच से होता है। हम जनरली कहते हैं कि जो हम काम करके करते हैं उससे हम बहुत जल्दी सीखते हैं। यदि हम किसी बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और यदि हम पर्यावरण में ले जाकर उसको उस चीज़ को समझाएं, या प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लांट को दिखा के हम पढ़ाएं या उस वहां पे ले जाके हम पढ़ाएं, तो बच्चा बहुत अच्छा सीखेगा। यही होता है दैनिक जीवन में उपयोग करके पढ़ाना। यदि हम उसको नाप के बारे में पढ़ा रहे हैं, मैथ में पढ़ा रहे हैं, और हम किलो बाट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम दुकान पे ले जाएं, वहां पे सामान लेते हुए, सब्जी की दुकान पे ले जाएं सामान लेते उसको हम पढ़ाएं, तो बहुत अच्छे से इस चीज को सीख सकता है। तो यही होता है, ठीक है ना, प्रयोग के साथ पढ़ाना, सीखने के साथ पढ़ाना। एम बी घास ने स्मृत और विस्मृत, ठीक है ना, जो एम बी घास है उन्होंने इसको स्मृत विस्मृत कहा। पावलव ने इसको सहज संबंध सहज क्रिया का नाम दिया। थार्नडाइक ने सीखने के नियमों तथा स्थानांतरण का नाम दिया। कैटिल ने प्रतिक्रिया काल का नाम दिया। कैनन ने संवेगात्मक प्रक्रियाओं का नाम दिया।
कोहलन ने प्रत्यक्षीकरण का, बेवर तथा वेकनन ने मनोबोध की आदि आदि का इसमें प्रयोग करते हुए नाम दिया है कि प्रयोग करने को किस तरह से, कितने तरीकों से प्रयोग को किया जा सकता है यूज में, ठीक है ना। तो आज शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब सभी प्रयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से हो रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक प्रगति के आधार भी ये कहे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जब यहाँ पे एक कोई वैज्ञानिक होता है या शिक्षा शास्त्री होता है, जब वो यहाँ पे प्रयोगात्मक अनुसंधान यूज करता है, उसका प्रयोग करता है, तो वो न केवल भूतकालीन यानी जो पहले हो चुका है उन घटनाओं को ध्यान में रखता है, उन स्थितियों को देखता है, ना कि बस के स्तर को निर्धारित कर, यानी कि जो भूतकालीन इस घटनाएं हो गई हैं ना तो उसको देखता है ना ही बस्त के स्तर को देखता है, बल्कि उसकी यथा स्थित का वो अध्ययन करता है कि आज के समय में, आज के परिवेश में उसकी स्थिति, यथा स्थित यानी आज के समय में उसकी स्थिति क्या, पहले क्या थी वो नहीं देखेगा लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है, उसके स्तर पे प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि जब सभी संबंधित चरों अथवा परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण करके, इसमें नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, और प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन किया जाए तो क्या निष्कर्ष प्राप्त हो गए प्रयोगात्मक सिद्धांत। एक सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ला दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि सामाजिक विज्ञानों ने इस विधि को प्राकृतिक विज्ञान से लिया है, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दे दिए हैं। फिर प्रयोग क्या है, इसका भी एक था, प्रयोगात्मक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी चीज को हम प्रयोग करते हैं, किसी चीज को हम यूज करते हैं। प्रयोग में बाह्य और आंतरिक चीज दी हुई थी, एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, प्रयोग या प्रयोगात्मक अनुसंधान में बाह्य और जो आंतरिक कारक थे उनको आपका आलोचनात्मक व्याख्या करना था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाह्य और आंतरिक का, ठीक है, और नियंत्रण का, क्योंकि नियंत्रण प्रयोगात्मक में वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी दिया है कि नियंत्रण के अतिरिक्त प्रयोग में कुछ अन्य तत्वों को ज्ञात करना भी आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि प्रयोग में नियंत्रण आवश्यक होता है, हर एक चीज जब नियंत्रण में रहेगी तभी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रयोग को किस सीमा तक नियोजित किया जाए, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे विल्सन ने परिभाषित किया था कि प्रयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार हुआ प्रश्न होता है जिसका उत्तर प्रकृति से प्राप्त किया जाता है और जिससे और अधिक ज्ञान बढ़ सके। तो यहाँ पे इस वाले पेज में आपको प्रयोग के बारे में, नियंत्रण के बारे में और बाह्य और आंतरिक में भी आगे आपको इसमें बताऊंगी, मैंने प्रयोग की विशेषताएं भी आपके लिए ला दी है, और प्रयोग में नियंत्रण का जो था मैं आपको बोल रही थी ये है नियंत्रण, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा और इसमें आपको लिखना होगा, एक क्वेश्चन आपका नियंत्रण का था। तो प्रयोग की तीन परस्पर संबंध मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिससे प्रयोग पूर्ण होता है, ठीक है। तो किन चीजों से मिलकर, नियंत्रण से, यादृच्छीकरण से, यादृच्छीकरण भी एक क्वेश्चन होता है टिप्पणी लिखने के लिए, और पुनरावृत्ति से, इन चीजों से मिलकर प्रयोग पूर्ण होता है। जब तक किसी प्रयोग में तीनों आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राप्त निष्कर्ष प्रयोगात्मक बार में परिवर्तन मात्र के कारण प्राप्त हुआ है, यानी तीनों चीजें होना जरूरी है। फिर प्रायोगिक नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रायोगिक नियंत्रण, तो इसे आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, ठीक है ना। मानव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है वहां पे, ठीक है, और चरों के क्रिया कौशल में समर्थन करता है और उससे निष्कर्ष निकालता है नियंत्रण करके। इसलिए नियंत्रण करने का यहाँ तात्पर्य परिस्थितियों को इस प्रकार से अपने अधिकार में करना है कि वे स्वेच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन ला सके और उनके प्रभाव को नियंत्रित कर सके। यदि आपने मैथ पढ़ा है और मैथ में सांख्यिकी आपने पढ़ा है तो उसमें आपने चर भी पढ़ा होगा, चर अचर, और ये चीजें इसी से संबंधित होती है, किसी चीज में प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दो चीजों में होता है। तो क्या होता है कि अपने अधिकार में उसको लाना और अपने स्वेच्छानुसार उसमें परिवर्तन करना, वही कहलाता है नियंत्रण, किसमें, प्रयोगात्मक अनुसंधान में। अब प्रयोग में नियंत्रण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है, आपका क्वेश्चन था कि प्रयोग में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिए यहाँ पे है और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रयोग में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो नियंत्रण परिस्थितियां ज्ञात होती है, प्रयोगकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर उस प्रयोग को प्राप्त करके निष्कर्ष निकाल सकता है, नियंत्रण के कारण प्राप्त निष्कर्ष का सत्यापन संभव और सरल हो जाता है, इसलिए भी जरूरी होता है, ठीक है ना।
क्योंकि जो प्रयोगकर्ता होता है वो नियंत्रण के द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है और उसके प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। नियंत्रण द्वारा कब कैसे क्या मापन करना है ये भी नियंत्रण के द्वारा होता है। नियंत्रण द्वारा ही निरीक्षण वैज्ञानिक बन सकता है और नियंत्रण द्वारा ही भविष्य कथन संभव होता है। तो नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण किसका यहाँ पे होना चाहिए ये देख लीजिए, यहाँ चार्ट से आप समझ सकते हैं। आय, पूर्व उपलब्धि, बुद्धि लब्ध, शिक्षण विद, अध्यापक के संबंधित चर होते हैं, इनमें नियंत्रण होता है। स्वतंत्र चर यानी तीन यहाँ पे देखिए चर दे दिया, ठीक है ना, एक आपका दे दिया संबंधित चर, एक स्वतंत्र चर, एक संबंधित चर। संबंधित चर में पूर्व उपलब्धि, बुद्धि लब्धि, शिक्षण विधि, अध्यापक। स्वतंत्र चर में प्रेरणा दे दिया, जो सीखने से होती, किसी को देख के प्रेरणा आती है। अब यहाँ पे संबंधित चर, विषय में रुचि, विषय की प्रकृति, विषय की जटिलता, अध्यापक का व्यवहार, ये सभी क्या हो जाएंगे, इनमें नियंत्रण रहता है, ठीक है, लेकिन प्रेरणा में नियंत्रण नहीं होता है, इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए। ये पीडीएफ देखिए, बाह्य चर के प्रभाव, मैंने कहा था कि इसमें जो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान है क्वेश्चन था कि बाह्य एवं आंतरिक का, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि बाह्य चर के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, इतिहास, परिपक्वता, परीक्षण, ह्रास, प्रतिगमन, चयन, सभी चीजें इसमें होती हैं। फिर नियंत्रण के संबंध में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, नियंत्रण किस प्रकार से होना चाहिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। नियंत्रण समूह कौन कौन से होते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो प्लीज आप इसे वाच कर लीजिएगा। अनुसंधान सामग्री के स्रोत, मैंने कहा था कुछ जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आई हूं, तो ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि अनुसंधान सामग्री के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ये मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि प्राथमिक द्वितीयक स्रोत होते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। कभी कभी दोनों को पूछ लेता है, कभी कभी सिर्फ एक को पूछता है, तो प्राथमिक पूछता है या फिर द्वितीयक पूछता है, ठीक है ना। तो अनुसंधान की सामग्री कितने तरह की होती है, दो प्रकार की। वह सामग्री जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने प्रयोग अथवा खोज द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, इसे प्राथमिक कहते हैं। आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, या खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो वहां पे आपको खुद ही उस चीज के बारे में खोज करना होगा। जब आप किसी चीज की स्वयं खोज करते हैं तो यह प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि सामग्री को पहली बार प्राप्त किया जाता है, आपने खोजा है। लेकिन जब आप किसी दूसरे की प्रयोग की हुई चीज को प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो द्वितीय, जो द्वितीयक सामग्री यानी कि सेकेंडरी डाटा कहलाता है, क्योंकि आप ये किसी और की सामग्री को आपने यूज किया है, आपने स्वयं नहीं प्राप्त किया है, आपने स्वयं नहीं खोजा है, बल्कि दूसरे स्रोत से आपने ली है, दूसरे का डाटा, दूसरे की चीज आपने ली है, इसलिए इसको द्वितीयक सामग्री, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इस प्रकार से आंकड़ों का एक बार सांख्यिकी विश्लेषण हो चुका है और उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुसंधान के लिए में जो भी आंकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी मौलिक सामग्री नहीं होती है। प्राथमिक सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी एक क्वेश्चन था कि प्राथमिक सामग्री के स्रोत कौन कौन से। देखिए यहाँ पे व्यक्ति के स्वयं के प्रयोग अथवा सर्वेक्षण होते हैं। अब आपको अगर यहाँ पे कह दिया जाए किसी एक मोहल्ले के बारे में, नगर निगम के बारे में बता दिया जाए, कोई वार्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए आप वहाँ पे जाके सर्वेक्षण करिए कितने लोग हैं, तो फिर ये सर्वेक्षण जब आप घर घर जाके स्वयं कर सकते हैं तो वो होता है व्यक्ति के स्वयं के प्रयोग अथवा सर्वेक्षण हो सकता सर्वेक्षण हो सकता है। आप प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्मक सर्वेक्षण भी हो सकता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति संपर्क कर आंकड़े प्राप्त कर लेना। जब आप प्रत्येक व्यक्ति संपर्क करते हो आंकड़े करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। प्रश्नावली, परीक्षण अनुसूची, प्रश्नावली बना के जब आप अध्ययन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो इसके द्वारा जो अनुसंधानकर्ता होता है वो प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने में सफल होता है। स्थानीय प्रतिवेदनों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना, इसी तरह से द्वितीयक सामग्री स्रोत देख लीजिए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। द्वितीयक सामग्री के जो स्रोत हैं, अभिलेख किसके अंतर्गत आते हैं, जो पहले से किसी और के द्वारा लिखे हुए होते हैं, आप सिर्फ उसको यूज करते हैं, द्वितीयक सामग्री में ये आता है, ठीक है ना। और अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे दिया हुआ है, समाचार पत्र हो गए, ठीक है, लेख आदि हो गए। फिर अभिलेखों के भी प्रकार हो जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र, जीवन वृत्त, दैनंदिनी हो गई, तो ये यहाँ पे हो गए। फिर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री उपयोग में आवश्यक सतर्कता क्या बरतनी चाहिए, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंकड़ों की प्रमाणिकता होनी चाहिए, आप जहां से आंकड़े ले रहे हो प्रमाणिक होने चाहिए, ठीक है, शुद्ध होने चाहिए। सूचनाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान कितना है, तो उनको अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट का ज्ञान, नॉलेज होना बहुत जरूरी है जहां से आप सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप ही आपके जो आंकड़े वो ऑथेंटिक होंगे, सही होंगे। सामग्री की उपयोगिता मूल्यांकन करना, लिखित अभिलेखों का उद्देश्य करना। ओके,
फिर साक्षात्कार से भी एक टिप्पणी लिखने के लिए आई थी। साक्षात्कार देख लीजिए, एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली होती है। साक्षात्कार में ओरल होता है और इसमें जो क्या होता है कि आमने सामने कुछ लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता है, सामने कुछ कमेटी होती है। साक्षात्कार एक लोग भी ले सकते हैं, दो लोग भी ले सकते हैं, चार से पांच लोग भी होते हैं इसको लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षात्कार शैक्षिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्तर पर संपन्न की गई प्रक्रिया होती है और जिसमें दो अपरिचित एक दूसरे के निकट आते हैं। एक चीज है साक्षात्कार लेना, जॉब के लिए साक्षात्कार होता है, बहुत सारी चीजों के लिए साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें भी साक्षात्कार जब पूछे जाते हैं साक्षात्कार ही कहलाया जाता है। तो इस तरह के होते हैं। एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार की श्रेष्ठता का कारण बताना है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका उपकरण से संबंधित आया था, तो साक्षात्कार जो है वो उपकरण का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको भी उसमें लिख सकते हैं कि उपकरण के एक पार्ट के बारे में पूछा गया था, कि एक उपकरण के बारे में लिखिए और उसकी विशेषताएं बताइए। तो साक्षात्कार को आप ले लीजिए और उपकरण के रूप में आप इसको साक्षात्कार के बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन एक था शायद कि चरण लिखने के लिए था, साक्षात्कार के विभिन्न स्तर किस तरह के होते हैं, ठीक है ना, प्रक्रिया क्या होती है साक्षात्कार की। तो देखिए यहाँ पे दिया है विभिन्न स्तर होते हैं, महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कि साक्षात्कार की पूर्व तैयारी की जाती, किसका लेना है, कैसे लेने हैं, कौन से कंटेंट वहाँ पे पूछने हैं, प्रश्न क्या क्या पूछने, सब बनाए जाते हैं, किस उद्देश्य से करना है, ठीक है ना। ये हो गया सामूहिक लेना है, व्यक्तिगत लेना है, किस तरह के साक्षात्कार लेने हैं, ये सभी चीज़ें पहले से तैयार की जाती है। अनुकूल समय एवं उपयुक्त स्थान भी इसमें चयनित होता है, किस समय किस टाइम पे किस जगह पे होना है, और जिसका लेना है उसको भी बताया जाता है ताकि उसको असुविधा भी ना हो। पारस्परिक परिचय इसमें होता है, ठीक है ना। साक्षात्कार का संचालन होता है, ये सभी देख लीजिए। बहुत लंबा ये आपका है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उत्तर का लेखन तथा विश्लेषण होता है, फिर साक्षात्कार की समाप्ति हो जाती है। ऐतिहासिक अनुसंधान से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता नहीं, इतिहास से संबंधित हो जाता है ये। पहले के बारे में तो हमें पूरा जो लेख वगैरह होते हैं, शिला लेख होते हैं, जो कुछ बुकें होती हैं उनसे हमें इसके बारे में पता चलता है। तो ऐतिहासिक सामग्री की विशेषताएं कौन कौन सी है यहाँ पे दिया हुआ है। ये वीडियो आपका ऑलरेडी बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैटर मिल रहा है और आपके समझ में यदि आ रहा है तो मेरे लिए ठीक है। अच्छे प्रकरण प्राप्त करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए अच्छे प्रकरण प्राप्त करने के उपाय तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, और भी बहुत सारे, मैंने बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन में लेके आई हूँ। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है कि सचेतन रूप में प्रदर्शित सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर द्वितीय साधन कौन कौन से होते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के साधनों का संग्रह प्रयोग किस तरह से होता है, आंकड़ों का आलोचना या मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए आंकड़ों का मूल्यांकन, अब आंतरिक क्रमबद्धता, ये देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, आंतरिक क्रमबद्धता, बाह्य क्रमबद्धता क्या होती है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इनमें क्या करना है आपको, इसमें आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तथ्यपूर्ण कैसे इसको माने ये आपको पढ़ना है। बाह्य आलोचना, आंतरिक आलोचना देखिए, ठीक है ना, और इसमें आलोचनात्मक एक व्याख्या आपको करनी थी, तो इसका अंतर यहाँ पे आंतरिक आलोचना देखिए ये आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धनात्मक ऋणात्मक ऐतिहासिक समालोचन भी होता है। मैंने जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं है तब भी हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके, अनुसंधान के उपकरण भी क्वेश्चन था, तो अनुसंधान के उपकरणों को किस प्रकार आप वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए अवलोकन इसके अंतर्गत आता है, इसमें पूछा था कि समझाइए, तो इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान की सबसे प्राचीनतम तथा आधुनिकतम प्रणाली के रूप में वैज्ञानिक अवलोकन की निम्नलिखित विशेषता, तो वैज्ञानिक अवलोकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी उपयोगिता एवं विशेषताएं क्या है, सब भी कुछ यहाँ पे है, तो आप इसे देख लीजिए। आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है ये भी यहाँ पे मैंने सिर्फ पीडीएफ में रख दिया है। उत्तम अवलोकन के आवश्यक तत्व है, जैसे कि उत्तम एक उपकरण जो है, उपकरण के रूप में एक आपको टॉपिक पूछ लेगा, जैसे हमने साक्षात्कार कहा वो भी इसी के अंतर्गत आता है, अवलोकन आप ले लीजिए ये भी इसी के अंतर्गत आता है, और किस तरह से उसको निर्धारित किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिख सकते हैं। समुचित नियोजन क्या कहलाता है, व्यवस्थित संचालन, टिप्पणियां इन्हीं से लिखने के लिए आपको आती हैं। अनुसंधान सामग्री का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, वर्गीकरण के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, देखिए जैसे उत्तम वर्गीकरण में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता। अच्छा वर्गीकरण करना है तो आधार क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे गुणात्मक आधार दिया है, लेकिन बुक में मुझे गुणात्मक मिला नहीं है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है,
तो प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। वर्गीकरण के प्रकार तो सरल वर्गीकरण, द्वैत वर्गीकरण इन्हें देख लीजिएगा, कभी कभी ये टिप्पणियों में लिखने के लिए आ जाते हैं। बहुगुणात्मक वर्गीकरण देखिए यहाँ पे आ गया है, तो बहुगुणात्मक या गुणात्मक वर्गीकरण जो लिंग के अनुसार होता है, साक्षरता के अनुसार होता है, बुद्धि स्तर के अनुसार होता है, जनसंख्या के ऊपर जब किया जाए पुरुष और स्त्री में, तो लिंग के अनुसार देखा जाता है, साक्षरता के अनुसार कितने लोग साक्षर कितने निरक्षर है, बुद्धि स्तर के अनुसार देखा जाता है, ठीक। सामाजिक वर्गीकरण, स्थानानुसार वर्गीकरण सभी किस्में दिए हैं। फिर अनुसंधान में जब वर्गीकरण करते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, देखिए यहाँ पे उसकी उपयोगिता दी हुई है। आई थिंक यूजफुल होगा आपके लिए पीडीएफ। ज्ञान से क्वेश्चन था तो मैंने इसीलिए यहाँ पे दे दिया, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या होती, किसी चीज़ को जानना उसके बारे में, गुण जिसको कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि व्यक्ति उस चीज़ के बारे में बहुत गुण है, बहुत ज्ञानी है, उसको उस बारे में सब कुछ नॉलेज है ना, तो उसे ज्ञान कहते हैं। डीपली किसी के हल्का नहीं, जब व्यक्ति किसी के बारे में डीपली जानता है, बहुत गहरा जानता है, तो उसे हम ज्ञान कहते हैं ना। तो ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं देखिए, तो इसी तरह से यहाँ पे हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो थार्नडाइक का सिद्धांत था वो भी इसी के अंतर्गत आता है। उनको पहले उसके बारे में भूल के सिद्धांत जो था बिल्ली और मछली वाला था एक, इसमें सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, तो ये सिद्धांत के अंतर्गत है। तो यहाँ पे ज्ञान का सिद्धांत सत्ता से, व्यक्ति के अनुभव से, निगमन विधि, आगमन विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये विधियाँ प्रमाणिक विधि मानी जाती हैं ज्ञान की, तो इसको आप देख लीजिएगा। यदि आपके समय व्यक्ति का अनुभव क्या कहलाता है, निगमन विधि सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यदि आपके समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक ऐसा है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। आत्म संशोधनीयता क्या कहलाती है, परिकल्पना का प्रयोग किस तरह, परिकल्पना भी था आपके इसमें देखिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आपके जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे आप मुझे बता दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे 100% एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगी आपको। तो मैं जनरली जो आपके 3 साल के पेपर में अभी क्वेश्चन थे वो उनके आंसर यहाँ पे विषय वस्तु का परीक्षण टिप्पणी में लिखने, निरीक्षण टिप्पणी में लिखने के लिए भी आता है। विषय वस्तु की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, वैज्ञानिक संबंध क्या होता है, विषय वस्तु क्या संबंध समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आप इसे पढ़ लें, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए और आपसे बन जाए, ठीक है। विषय वस्तु क्या होती है, तो विषय वस्तु जैसे 2 प्रकार के विज्ञान भिन्न भिन्न होंगे, से विषय वस्तु की जटिलता है, विषय वस्तु का निरीक्षण, सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में अंतर क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन था, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चलो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई यदि क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपके पास क्वेश्चन है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 8279584910 हमारा नंबर है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।